हेलो गाइस, वेलकम टू टुवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, दैट इज समिट्स 2022। इसमें आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराए जाएंगे, साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे आपके एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे इसमें कवर कराए जाएंगे। समिट्स 2022 के पार्ट फर्स्ट हमने आपको दे दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अब हम बात करेंगे आज पार्ट टू के बारे में, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 25 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया था समिट्स के, अब आगे बात करेंगे 26 क्वेश्चन नंबर से। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच कंट्री हैज चेयर्ड द वन ओशन समिट 2022 टू कंजर्व द ओशंस। आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस। इसका कैपिटल क्या होता है? पेरिस होता है। और ये देख सकते हैं आप 9, 10, 11 फरवरी 2022 को ब्रेस्ट ब्रिटानी फ्रांस में ये समिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2021-2022। आंसर हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली के बारे में थोड़ा जान लेंगे। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। डिप्यूटी सीएम की बात करें तो मनीष सिसोदिया है, और चीफ सेक्रेटरी यहाँ के नरेश कुमार हैं, जो कि IAS है। और ये देख सकते हैं आप न्यू दिल्ली में हो रहा था ये एडिशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, वेयर हैज़ द 5th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली UNEA-5 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज टू डील विद द प्लास्टिक पॉल्यूशन। आंसर हमारा हो जाएगा सी, नैरोबी केन्या में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है हमारा, वेयर डिड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन COP15 UNCCD COP15 समिट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन बिगिन। ये कहाँ पर बिगिन हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा अबिडजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग SCO RATS 2022। ये कहाँ पर हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा बी, इंडिया में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। Important points for exams, the decision was taken at a meeting of the Council of RATS that was hosted by India, New Delhi में, ठीक है। RATS की full form आप जान लेंगे, ज़रूरी होती है। Regional Anti-Terrorist Structure, इसका headquarter कहाँ पर है? तशकेंद उज़्बेकिस्तान में है। और RATS ये एक permanent organ है किसका? Shanghai Cooperation Organization का, which serves to promote cooperation of member state against terrorism, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ओके, जहाँ तक रैट्स की बात करें तो आपको मैंने बता दिया तशकेंद उज़्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, साथ ही ये परमानेंट ऑर्गन है किसका? SCO का। SCO के बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से। SCO के बारे में फुल जानकारी लेने के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे क्लिक करें प्रीवियस वीडियो को देखने के, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट कराए हैं समिट्स के। और गाइज, ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट ITU2 समिट 2022 फ्रॉम द इंडिया साइड। इंडिया के तरफ से ITU2 किसने पहली बार समिट में पार्टिसिपेट या चेयर्ड किया है? आंसर हमारा हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी, जैसे कि आप देख सकते हैं चेयर्ड किया है इन्होंने। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है। तो PM नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्चुअल ITU2 समिट, ठीक है। एंड द ITU2 इज अ 4 नेशन ग्रुपिंग है। I स्टैंड फॉर इंडिया एंड इसराइल, ठीक है, एंड U स्टैंड फॉर US एंड UAE, ठीक है। I इसीलिए दो बार है, U इसीलिए दो बार है, ठीक। PM मोदी वॉज ज्वाइन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जियो बिडन एंड इसराइली PM याइर लापिद एंड UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, इन विच सिटी द 5th साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? आंसर हमारा हो जाएगा जयपुर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे।
फिफ्थ साउथ एशियन जियो इंडिया 2022 कहाँ पर हुआ था? ये जयपुर में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये कब से कब तक के लिए हुआ था? 14 to 16 अक्टूबर 2022 तक के लिए हुआ था। और ये 3 दिन का समिट होता है, ठीक है। और ये राजस्थान के कैपिटल जयपुर में हुआ था। द कॉन्फ्रेंस एम एट शेयरिंग द लेटेस्ट रिसर्च ऑन इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल, इसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। वेयर हैज़ द डिफेंस एग्जीबिशन 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, ये कहाँ पर हुआ था? आंसर ए हमारा हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और ये कब से कब तक के लिए हुआ था? 18 to 22 अक्टूबर तक के लिए हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बींग हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात कितने दिन के लिए हुआ था? 5 डेज के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। 18 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी। विटनेस्ड अनपैरेलल्ड पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 1340 एग्जीबिटर्स, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज, आर्म फोर्सेस एंड डेलीगेट्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, इतने लोगों ने इसे पार्टिसिपेशन में इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। वेयर विल द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 टू बी हेल्ड, कहाँ पर हुआ था ये? आंसर हमारा हो जाएगा ए कनाडा में, हालिफिक्स कनाडा में हुआ था। कब से कब तक के लिए हुआ था देख सकते हैं आप इमेज में, 20 अगस्त टू 26 अगस्त तक हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है हमारा। टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ गर्ल्स हु हैज़ ऑर्गेनाइज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल्ड बेटियाँ बने कुशल, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वेयर इज द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 2022 हेल्ड, ये कहाँ पर हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा ले लद्दाख में हुआ था। और ये देखिए हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट में। जैसे कि आप जान सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया भूपेंद्र यादव, इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, SMDS 11 को। कहाँ पर? ले स्ट्रेसेस द नीड, किसके बारे में नीड? एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है हमारा। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG गैसटेक मिलन 2022 हेल्ड, कहाँ पर हुआ था ये? आंसर हमारा हो जाएगा मिलन, इटली में हुआ था ये, ठीक है। ये 50वीं एनिवर्सरी थी, कब से ये स्टार्ट हुआ था? 1972 से ये स्टार्ट हुआ था। कब से कब तक हुआ था ये? 5 to 8 September तक ये हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वेयर इज़ द एजुकेशन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड, ये कहाँ पर हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया, बाली में। कितने दिन का ये कॉन्फ्रेंस हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा 4 डेज का ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट 2023? गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा साउथ अफ्रीका। इस बार साउथ अफ्रीका मतलब 2023 में अगर साउथ अफ्रीका है तो नेक्स्ट टाइम कौन होगा? ब्राज़ील होगा, देन रशिया, इंडिया, चाइना, देन अगेन साउथ अफ्रीका की बारी आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एक्सटेंडेड देयर फुल सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका। किसको सपोर्ट किए हैं? फुल सपोर्ट साउथ अफ्रीका को किए हैं फॉर इट्स ब्रिक्स चेयरशिप, कौन से ईयर के लिए? 2023 के लिए, ऑल्सो फॉर होल्डिंग द 15th समिट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। वेयर हैज़ द 77th मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बीन हेल्ड, ये कहाँ पर होगी? आंसर हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क, USA में होगी ये, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो रही है, ठीक है, कौन से नंबर व की? 77th की। क्वेश्चन नंबर 41।
वेयर हैज द फर्स्ट नेशनल कोल कन्वेंशन पब्लिक एग्जीबिशन 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है? आंसर हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली में हो रही है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 19th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म जैसे कि इंटरपोल की ये है। आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया। अब इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, द 19th इंटरपोल जनरल असेंबली वॉज हेल्ड इन, कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हो रही है। कितने से कितने तारीख तक? 18 से 21 अक्टूबर तक हो रही है। द जनरल असेंबली इज इंटरपोल्स सुप्रीम गवर्निंग बॉडी एंड मीट्स वंस अ ईयर टू टेक की डिसीजन रिलेटेड टू इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, इसमें इसके की डिसीजंस कुछ लिए जाते हैं इस मीटिंग में। ठीक है, साल में एक बार ये होती है और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग को अटेंड करते हुए। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर वॉज द बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पर हुई है? आंसर हमारा हो जाएगा शिलेट, बांग्लादेश में। सॉरी, यहाँ पर जी मिसिंग है, बांग्लादेश में हो रही है। कहाँ पर? सिलेट में हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच स्टेट विल होस्ट द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023? इसे कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है? आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, स्पाइस का यहाँ पर इन्होंने एक फुल फॉर्म दे रखा है, S फॉर सस्टेनेबिलिटी, P फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, I फॉर इनोवेशंस, C फॉर कोलैबोरेशन, E फॉर एक्सेलेंस एंड S फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो ये स्पाइस का फुल फॉर्म हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसे भी याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 45 है, वेयर विल द नेशनल टूरिस्ट पुलिस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस 2022 बी हेल्ड? ये कहाँ पर हुई थी? आंसर हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, वेयर हैज़ द 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2022 बीन ऑर्गेनाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ? इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली में हुई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद द, किसके साथ कोलैबोरेट करे हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। 47th क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2022 हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ये 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चला था, किस पे? एग्जिस्टिंग क्लाइमेट चेंज सिनेरियो एंड इट्स अराइजिंग रिस्क पे। और ये मैप में आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जितना ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये कश्मीर है, और जितना ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ये जम्मू है हमारा, और जितना नीला वाला दिख रहा है, मतलब ब्लू दिख रहा है, ये लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, वेयर विल द फर्स्ट आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस 2022 ऑन आकाश तत्व बी हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ है? आंसर हमारा हो जाएगा देहरादून में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है, वेयर इज द 10th हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड टू ब्रिंग टुगेदर इंडियन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स? ये कहाँ पर हेल्ड हुआ है? आंसर हमारा हो जाएगा केवाड़िया, गुजरात में हुआ है। 20 to 22 तक इसे चलाया गया है ये कॉन्फ्रेंस को। कहाँ पर चलाया गया है? केवाड़िया, गुजरात में चलाया गया है। अब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स 10th हेड ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस इन केवाड़िया, गुजरात। कब से कब तक? मैंने बताया आपको 20 to 22 अक्टूबर तक। ठीक है, और इसको हेड कितने लोग कर रहे थे? टोटल 118 हेड्स थे टोटल, जिसमें अम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स सारे इंक्लूड थे वर्ल्ड के। The conference is always presided over by the Union External Affairs Minister and this year किसने इसे प्रिसाइड किया है? S. जयशंकर जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has presided over the meeting of the Dakar International Forum on Peace and Security 2022 held in African country Senegal for the first time from India? इंडिया की तरफ से इसे फर्स्ट टाइम किसने प्रिसाइड किया है? आंसर डी, वी मुरलीधरन, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारे। ठीक है,
ये 8th डकार इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी 2022 ये हुआ था।